असिस्टेंट कमिश्नर साहब ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पे पर्चे देते हैं हर किसी को। ये लोकल एरिया है तो कोई बाज़ार भी जाते हैं सब्जी के लिए, उसके पास तो हेलमेट नहीं होता, लाजमी बात है। कोई अपने घर से निकलते हैं बाज़ार जाते हैं तो हेलमेट तो नहीं लेके जाता। इसके अलावा कभी कभी पर्स में भी भूल जाता है लाइसेंस वगैरह। ये जो ट्रैफिक के पर्चे होते हैं इसकी कोई इंक्वायरी होती है पीछे से? बिल्कुल होती है। जो ट्रैफिक के जो आपको रसीद काट के देते हैं उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें नंबर लिखा हुआ आता है, आप वेरीफाई करते हैं आया कि जाली दी है या सही दी है, तो वो तो पता चल जाए। जो ट्रैफिक के केसेस मेरे पास आते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आप उसको चैलेंज करें, आप कहें भाई हम ट्रायल चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते, हम नहीं मानते कि हमने गलती की है। तो ट्रायल होगा, फिर मैं पुलिस वाले को अपने पास बुलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अमूमन होता ये है कि बंदा आता है वो कहता है कि हाँ मैंने जुर्म की है, तो बस जब उसे जुर्म मान लिया मैं फिर एज अ ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट मेरी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको फाइन करूँ या उसको सजा दूँ। अगर आप कहें मैं ट्रायल चाहता हूँ तो उसके लिए फिर एक डेट मुकर्रर होगी, वो आएगा ट्रैफिक वार्डन आएगा जिसने आपको रोका है, वो आएगा, वो आके बताएगा आपको कि भाई फला फला बंदे ने ये क्राइम किया है। तो मैं तो चाहता हूँ आप लोग इसको खुद रिफ्यूट करें कि भाई मैं नहीं गिल्टी प्लीड करता, मैं चाहता हूँ कि मैं आप इसका ट्रायल चाहते हैं, हम ट्रायल करेंगे। इस तरह फिर आपको समझ आएगी कि भाई आपके साथ ना इंसाफी है, इंसाफ इंसाफ हुआ है।